आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50, 10 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2, 3 and 5 के रेशियो में है, ठीक है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़ है ना। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी जो है बैंक में कैशियर है, शी हैज़ अ करेंसी नोट्स, कि उसके पास 100, 50 और 10 की मुद्राएं हैं उसकी करेंसी में, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिवली द रेशियो उसका दे दिया है 2, 3, 5 के, उसके पास इस तरह का रेशियो है, नंबर ऑफ दिस नोट्स का रेशियो दे दिया है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी 4 लाख रुपए हैं उसके पास टोटल सब मिला के, ठीक है। हाउ मैनी डज ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही है, मतलब हर मुद्रा के कितने नोट्स हैं ये आपको बताना है इन दी एंड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ उसके पास किस किस के नोट्स हैं। 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं, ठीक है। इसके बाद किस किस रेशियो में है दिया है, 2 के हैं, 3 के हैं एंड 5 के रेशियो में, ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ द टोटल ऑफ टोटल इसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये 4 लाख आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि टोटल आपको मनी पता है कि 4 लाख रुपीज़ है, मनी कैसे आपको रुपए पता है, 100 का एक नोट है, 50 का नोट है, 1, 10 का नोट है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि आपको रेशियो पता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 के कितने नोट्स हैं, अभी तो रेशियो में है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन रेशियो में है, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 50 कितने, 3 है, एंड 10 के कितने हैं, 5 है, ठीक है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है, इसको अलग कर लीजिए, इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं ये आपसे कहूँ कि अभी तो ये पूरे अगर आपको इसको जोड़ोगे तो 4 लाख आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि ये रेशियो में था, तो ये मतलब है इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल में छिपा था, तो वो हमने मान लिया एक्स है सभी के साथ, वो कॉमन थिंग। और ये सब मिला के क्या आ रहा है, 4 लाख रुपीज़ है ना, 4 लाख हो गए टोटल। इन सबको अगर आप देखिए, 100 का नोट थे, 2 के रेशियो में थे, 2 मतलब 2 से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 नोट हो जाएंगे 100 के, लेकिन इतने क्या सफिशियंट होंगे 4 लाख बनाने में, नहीं, क्योंकि 2 के साथ के छिपा हुआ है, तो हमने 2x लिया है, इसलिए इसी तरह हमने 3x लिया है, रेशियो में कुछ छिपा हुआ है ना, कट के आपको फाइनल एक रेशियो मिलता है, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन है, तो वो x में छिपी हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया। और इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 into 2x, 50 का 3 नोट थे तो 3x हो गया, एंड 10 के 5 थे तो 5x किया तो 4 लाख। इन सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 4 लाख आना ही है, ठीक है। ये आपने आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख, ठीक है। अब करना क्या, सिंपल है, x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200x, 15x एंड सॉरी 150x एंड 50x, ठीक है। और ये कितना था, 4 लाख है, ठीक है। अब इनको आपस में हम एडिशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400x हुआ, 4 लाख, ठीक है। 00 4 1 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 30 बचे 1000, ठीक है। अब आपको सिंपल है, आपको क्या करना था, ये एक्स था, 2x बोले तो किसके नोट है, ये 100 के, ठीक है, ये 2x था, तो यहाँ पे 2 into 1000 हुआ, कितना हुआ, 2000 नोट हुए 100 के, ठीक है। इसी तरह से हम और आगे कर लेते हैं। अब 50 का कितना था,
50 का था 3x, तो 3 × 1000 किया तो 50 के कितने नोट्स बन गए हमारे पास 3000। ठीक है, लास्ट में कितना था, 10, 10 का क्या था 5x, है ना। तो 5x, 5 × x की वैल्यू कितनी थी 1000, 5000 नोट बन गए। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव, मतलब 100 के उसके पास 2000 नोट है, 50 के उसके पास 3000 नोट है, और 10 के 5000 नोट है। ठीक है, अब इसको आपको एक बार, आपका होमवर्क है, इसको आप वेरीफाई कीजिए कि इन सबको जोड़ने पे 4 लाख आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 4 लाख ही आना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गलती की, अगर 4 लाख नहीं आ रहा है तो। चलिए, एक बार आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि आंसर आपका 4 लाख आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन मेरा, मैंने ये सॉल्यूशन इसका गलत किया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये मैंने सही किया कि गलत। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।